भी दो क्लास फेलोज गई हैं, उन्होंने ना बकायदा पेपर क्लियर किया है डीएचए का, उसके बावजूद इंडियंस को जॉब प्रेफरेंस वहाँ पे ज्यादा है और उनको जॉब प्रेफरेंस किस कंट्री में? दुबई में। अब इंडिया के देखे ना, अभी उसने इजिप्ट का दौरा किया है अभी पिछले दिनों में मोदी ने, तो मोदी जो है वो तो दोनों साइड पे सही जा रहा है। उसने इजिप्ट एक इस्लामिक कंट्री है, उसने वहाँ इतने अच्छे अपने ताल्लुकात बनाए हैं। जहाँ वो ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं ना, वो हमारी लाइन अलग लगा देते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटस इस किस्म का हो चुका है कि ग्रीन पासपोर्ट को कोई लाइक नहीं करता। 4,000-4,000 दिरहम के ऊपर वो एज असिस्टेंट रखते हैं, जबकि इंडियंस को प्रेफरेंस में वो 10-10, 12-12 हज़ार दिरहम पे रखते हैं। तो हम नेगेटिविज्म प्रमोट करते हैं, वो पॉजिटिविटी को प्रमोट करते हैं। वो बाहर जाते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए, हम जाते हैं बस पाकिस्तान से निकलो, और इंडियन जो है वो बाहर जाते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए, गूगल के सीईओ के लिए। सिंपल, मैं अगर सऊदीया चला जाऊँ ना, तो वहाँ पर जो है ना मेरी एक एक चीज की चेकिंग होगी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा। जी हाँ। और अगर मैंने पेंट शर्ट पहनी है तो इस तरह चेकिंग नहीं होगी। ये स्टैंडर्ड है, वो इंडियन है, वो बांग्लादेशी भी पहनते हैं इंडियन। अपनी बात करें तो आपको भी बताया कि हमारा बाहर कंट्री में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से डंकी मार के बड़े लोग जाना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, हम अगर इंडियंस की बात करें तो थाईलैंड के बाद वियतनाम, स्टैप मलेशिया ने कह दिया है कि वीजा फ्री एंट्री इंडियंस को है, वो जब चाहे आ सकते हैं। क्या वजूहत है कि इंडियंस को इतना प्रोटोकॉल, इतनी अहमियत के हामिल वो रहते हैं, और हम अगर देखें तो बैन हो जाते हैं या फिर कोई तोहमत लग जाती है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा इंडियंस जो है ना एजुकेशन के लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे से। दूसरा क्या कहते हैं, वो लॉज को ब्रेक नहीं करते, हम लोग सबसे पहले लॉ को ब्रेक करते हैं। हमारे जितने भी आप देखें ना अनस्किल्ड वर्कर जाता है, पहले बस स्किल्ड वर्कर हमारा बहुत कम है, जो अनस्किल्ड वर्कर है वो जाता है, उसका ये होता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से डंकी लगाऊँ, तुर्की निकल जाऊँ, या क्या कहते हैं दुबई से आगे किसी तरीके से यूरोप निकल जाऊँ, तो वहाँ पर जाके लोग छुप जाते हैं। तो फिर जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, पूरे पाकिस्तान एक कम्युनिटी हमारी का बैड फेस जाता है। बिल्कुल ऐसे है, और इवन एक सिटीजन करे तो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का नाम आएगा। अगर मैं ना यहाँ पे एड करूँ, मेरी अभी दो क्लास फेलोज गई हैं, उन्होंने ना बकायदा पेपर क्लियर किया है डीएचए का, उसके बावजूद इंडियंस को जॉब प्रेफरेंस वहाँ पे ज्यादा है और उनको जॉब प्रेफरेंस कंट्री में दुबई में डीएचए क्लियर किया उन्होंने, और 60 मतलब उसकी रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा है, 60% मार्क्स चाहिए आपको। दुबई में, दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी इंडियंस को देखने प्रेफरेंस, इंडियन को प्रेफरेंस ज्यादा है हमारे से। इवन राउंड अबाउट वो पिछले 1-1.5 माह से वहाँ पे ना इंटरव्यूज दे रही है, इंटरव्यूज की कॉल्स आती हैं, लेकिन जहाँ पे इंडियन आ जाते हैं वो उनको प्रेफरेंस देते हैं, बंगालीज आ जाते हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं, बंगालियों को भी। हाँ जी, हमारे से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सर देखिए, बंगाली तो हमसे निकले है ना, तो आज उनकी अहमियत ज्यादा, उनकी प्रेफरेंस ज्यादा है। क्या वजूहत है सर, हम में कोई कमी है या फिर इंडियन लॉबी है? नहीं मैम, मेरे ख्याल से हमारे में कमी है, हम एजुकेशनल एजुकेशन के लिहाज से भी वीक हैं, ऊपर से हमारा पर्सपेक्टिव ये होता है कि हमने यूरोप निकलना है, और हमारा जो जाके अनस्किल्ड लेबर है गायब हो जाती है ना, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा। बिल्कुल, सऊदी ने कहा कि अपने भिखारी अपने पास रखो, पाकिस्तान को कहा कि अपने भिखारी अपने मुल्क में रखो, यहाँ आके हरम में मांगना शुरू कर देते। सर हम ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? ये भी एक बात है, बैगर सिस्टम जो है ना सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इंक्रीज करते हैं वहाँ पे जाकर, जेल बड़े हो गए वहाँ की। हाँ जी, क्या वजूहत है, हम ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, किस चीज की कमी है हमें एजुकेशन के अलावा? हमारे अंदर तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा कमी है। किस चीज़? आप देखें ना, हमारी बेसिकली जितनी यूथ है वो जाना क्यों जाती है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है। आप एक मिडिल क्लास देखें हमारा, क्या कहते हैं, मैं अपनी बात करूँ, मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मेरे वहाँ पे लेबर जो है वो 27,000-28,000 पे काम कर रही है, जबकि क्या कहते हैं आप बिल देखें 20-22 हज़ार तक बंदे का बिल आ जाता है। आजकल जो है आपकी इकोनॉमी इतनी कोलैप्स की हुई है, हमारी रुपीस की 0 वर्थ है इस टाइम मार्केट के अंदर। ये सारी की सारी वजूहत हैं, लोग बाहर जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर स्किल नहीं होती, जिसकी वजह से वो फिर वहाँ पे गायब हो जाते हैं और फिर क्या कहते हैं आगे डंकी लगाने की कोशिश करते हैं। सर हिंदुस्तानियों की बात करें तो हिंदुस्तानियों में ऐसी क्या वजूहत है कि उनका आज हिंदुस्तान जो है वो दुनिया में जाना चाह रहा है? इवन अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ऐसे प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, रेड कार्पेट बिछाया जाता है, इवन उनके इंडियंस के लिए भी इस्तकबालिया ही होता है हर कंट्री के अंदर। ऐसी एजुकेशन के अलावा उनके अंदर क्या बात है, और किस तरह से उन्होंने इस दहाने पर अपने आप को पहुँचाया? देखिए ना, उन्होंने अपनी कम्युनिटी को क्या कहते हैं, अब जहाँ पिछली बार उनका जब पिछली बार गया कि पता नहीं पिछले साल गया, मोदी जहाँ पे गया तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे मंदिर भी बनाएंगे दुबई के अंदर। इवन सलमान खान गया है वहाँ पे, उन्होंने कॉन्सर्ट कराए हैं। आप देखें मीडिया के लिहाज से भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे से, उनका जो माशाल्लाह बॉलीवुड है वो हमारे से, हमारा तो किसी को पता भी नहीं उनका बॉलीवुड ही कहाँ पे पहुँचा हुआ है, वो 400-500 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करते। क्रिकेट देख लें, IPL सेशन देख लें, PSL देख लें, PSL नीचे से नीचे, IPL कहाँ से कहाँ है। आप देखिए उन्होंने अपनी मीडिया के थ्रू अपने आप को ग्रूम किया हुआ है।
हमारे पास मीडिया लैक है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम नेगेटिविज्म प्रमोट करते हैं, वो पॉजिटिविटी को प्रमोट करते हैं, ये सबसे बड़ी वजह। तो हम इस्लामिक कंट्री है, फिर नेगेटिव क्यों? आप देखें ना, अगर आप इस्लामिक कंट्री के ऊपर भी बात करते हैं तो तुर्की भी तो देखें, उनका मीडिया कितना पॉजिटिव है, ठीक है। हम लोग इस्लाम को भी नेगेटिव लेके चलते हैं। हम लोगों ने क्या कहते हैं, बात तो अगर हम बात करना चाहें तो कितनी बातें निकल सकती हैं इसके ऊपर। हम कहते हैं कि हम स्टैंड कर किया हुआ फिलिस्तीन के साथ, इतनी बड़ी बड़ी हमारी तंजीमों ने, TLP ने, इसने पता नहीं क्या किया, लेकिन करने को किसी ने कुछ नहीं किया। यही सबसे बड़ी वजूहत है कि हम बोलते हैं, हम करते कुछ नहीं। कहने को हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है इक्वालिटी नहीं है, लेकिन अगर उनका हर एक सेक्टर उठाए तो उसके अंदर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन मतलब जितना भी मजहब है सब नजर आते हैं, फिर इक्वालिटी कहाँ पर हम कहते हैं कि नजर नहीं आती? नहीं, उनके बेसिकली इक्वालिटी किसको हम लोग कहते हैं, इक्वालिटी ये कहते हैं कि आपको वहाँ पे मुस्लिम्स को देखें, आप उनकी इंडियन टीम में मुस्लिम्स भी हैं, ये इक्वालिटी है ना, बेशक माइनॉरिटी के अंदर है। उनके तमिल्स भी हैं, हालांकि उनके तमिल टाइगर्स जो हैं वो एक डिस्टिंक कम्युनिटी है। आप देखें क्रिकेट टीम में उनके सिक्स भी होते हैं, उनके मीडिया रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी सिख हैं, काफ़ी मुस्लिम्स हैं, उन्होंने वहाँ पे बकायदा अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो ऊपर है, आप कह रहे हैं कि इतनी ऊंची है, उसमें भी मुस्लिम्स हैं। अब देखें मेन चार जो स्टार्स हैं वो उनके मुस्लिम हैं। आप देखें उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ पे रेसिज्म कह सकते हैं कि हर रेस अपने आप को ऊपर करने के चक्रों में, लेकिन हमारे अंदर इक्वालिटी नहीं है। दुबई की आपने बात किया है, नो डाउट ऐसा है कि इंडियंस को प्रेफरेंस मिलती है, आपको क्या लगता है कि ये प्रेफरेंस शुरू से तो नहीं थी, रिसेंट ही हुआ है, ऐसा होना शुरू हुआ है? मैं आपको बताता हूँ, पहले हमारे जो फार्मासिस्ट थे ना, जो मेरे 2016 के अंदर जो हमारे सीनियर्स गए हुए हैं, उनको वहाँ पे अराउंड 10,000 दिरहम के स्टार्टिंग पैकेजेस थे। अब वो पाकिस्तानी को मतलब बढ़ने के बजाय 2023 के अंदर ये हाल है कि 4,000 दिरहम के ऊपर वो एज असिस्टेंट रखते हैं, जबकि इंडियंस को प्रेफरेंस में वो 10-10, 12-12 हज़ार दिरहम पे रखते हैं। आप देखिए कितना हमारे साथ, सिर्फ जस्ट क्योंकि अगर हमारे लोग जाके भागे ना ना, और क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से आप एज ए लेबर भी काम कर लो, तो शायद क्या कहते हैं हमारी थोड़ा सा फेस ठीक हो जाए। वो कहते हैं ये आके यहाँ पे गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं, और ये 110% गंदी क्रिएट हो गई, बहुत गंदी इमेज हमारी दुबई में, UAE में। इवन आप देखें हम लोग अगर आप कैप्स में अपीयर होते हैं ना, तो कैप्स में भी इंडियंस हमारे से ज्यादा हैं, जो ऑस्ट्रेलियन पेपर है। आप कैनेडियन की US असेंबली उठा के देख लें, उसमें भी क्या कहते हैं इंडियंस ज्यादा हैं, उनको वीजा भी जल्दी मिल जाता है, हमें कहीं भी वीजा नहीं। बड़े नामों में इंडियंस है, भाई YouTube का सीईओ, Google का सीईओ, Microsoft का सीईओ, Facebook का, मैं मतलब IMF जिसे कर्ज लेते हैं उनका, हर जगह पे तो इंडियंस है, इंडियंस छाए पड़े हैं, बिकॉज उन लोगों ने कम्युनिटी बनाई, हमने कम्युनिटी नहीं बनाई। क्या कहेंगे कि हमारा सिक्का इन फ्यूचर चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? मेरे ख्याल से तो हमारा, जिस तरह मैं देखता हूँ पाकिस्तान, तो अगले 10 क्या 20 क्या 25 सालों के अंदर भी पीछे जाएगा, आगे जाना बहुत मुश्किल है। और इंडिया, इंडिया तो बहुत आगे, तो इंडिया का तो आने वाला टाइम है 250 के अंदर वो टॉप 2 के अंदर होगा। अच्छा। हाँ, रेवोल्यूशन। आप IT इतनी स्ट्रांग है उनकी, IT में के लिहाज से बहुत आगे हैं, उनका मीडिया बहुत आगे है, और आप देखें उनका जो मुंबई शहर है उसका क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं आपका डेट रेशियो होता है, क्या कहते हैं उसको, वो हमारे से बहुत ज्यादा है, मतलब पूरे पाकिस्तान का एक साइड के ऊपर, उसका मुंबई शहर का एक साइड के ऊपर। एक UP और महाराष्ट्र भी है जो सिटी है, उनका स्टेट है, पूरे पाकिस्तान के GDP के मुताबिक। हाँ जी, GDP के मेरे उस पर नहीं आता, वो GDP के लिहाज से हमारे से बहुत ऊपर है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, फैक्चुअल बात हुई, थैंक यू सो मच। देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी इस किस्म की है कि इस तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। बेसिकली आप अगर किसी दूसरे मुल्क में भी चले जाएं ना, जहां वो ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं ना, वो हमारी लाइन अलग लगा देते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटस इस किस्म का हो चुका है कि ग्रीन पासपोर्ट को कोई लाइक नहीं करता। ये तो हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये हमारे मिनिस्टर हैं, इनको चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हमें वीजे में और एंट्री में आसानी हो सके। अगर हम किसी मुल्क के अंदर जाएं और वहाँ इंडियंस और पाकिस्तानी हो, तो आपको क्या लगता है किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, इंडियंस की या पाकिस्तानी? इंडियंस की। क्यों सर? क्योंकि हमारा एक्चुअली जो हमें जो है सबसे ज्यादा बदनाम किया है जो मंशियात ने, हमारे मुल्क के जो हमारे, ये मैंने ड्रेस पहना हुआ कमीशन वहाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सऊदीया चला जाऊँ ना, तो वहाँ पर जो है ना मेरी एक एक चीज की चेकिंग होगी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा। जी हाँ। और अगर मैंने पेंट शर्ट पहनी है तो इस तरह चेकिंग नहीं होगी। ये स्टैंडर्ड है, वो इंडियंस है, वो बांग्लादेशी भी पहनते हैं, इंडियंस भी पहनते हैं, कमीशन वार जो है ना हमारा एक ब्रांड है कि हम पाकिस्तानी, हमसे ज्यादा बांग्लादेशियों की वैल्यू हो गई है। जी इसी तरह है।
पाकिस्तानियों के वहाँ पे ये पोजीशन है कि पाकिस्तानियों को जो वहाँ पे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा। अगर आप मिसाल के तौर पे सऊदीया गए हैं, वहाँ पर आपकी कोई इधर उधर की बात करते हैं ना, तो आईडी अकामा कहते हैं, अकामा उठवा के फेंकते, कहते हैं लाओ हमारा पासपोर्ट दो। और जो इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको अगर गालियां भी देते हैं ना तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या वैसा होना चाहिए पाकिस्तानी जैसा होना नहीं, ऐसा नहीं, अपने ईगो होती है, ईगो में रहते हैं हम लोग। सर ईगो के चक्कर में देखे ना, ईगो के चक्कर में आज हमारा मुल्क का हालात का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ सारा कुछ। तो देखिये गल्फ में पाकिस्तानी बहुत कम है, वहाँ ज्यादातर बांग्लादेशी है और इंडियन है, यही वजह है। सर क्या वजूहत है कि हमारा दुबई, सऊदीया, इस तरह के इस्लामिक कंट्री में भी इंडियंस को प्रेफरेंस मिल गई है, इंडियंस में ऐसा क्या है? एक्चुअली वो अपनी हद के इज्जत को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा। हमारे अंदर ईगो इतनी है कि हम थोड़ी सी बात होती है हम कहते हैं हमारी वापसी का। लेकिन पैसा भी चाहिए सर। पैसा भी चाहिए सर, वो थोड़े पैसों में भी आ जाते हैं। अच्छा। हमें पैसा ज्यादा चाहिए, बिलीव करें। वहाँ पर इंडिया में केरला स्टेट है, वहाँ के लोग 300 रियाल में सऊदी आते हैं। अच्छा। वो क्यों आ जाते हैं, क्या वो स्किल्स लेना चाहते हैं? भूख बहुत है वहाँ। अच्छा। बहुत ज्यादा। पांचवी बड़ी मौसियत है। नहीं नहीं, मईशत अपनी जगह पे, लेकिन लेबर नहीं है वहाँ पर। अच्छा। लेबर रेट नहीं है वहाँ पर। हाँ। वहाँ पर जो है ना वो लोग भूख से मर रहे हैं इंडिया। अच्छा। बहुत ज्यादा भूख है। सर एक कंट्री की पांचवी बड़ी मौसियत है, इकोनॉमी इतनी स्टेबल है, दुनिया के हर इन्वेस्टमेंट वहाँ जा रही है, तो वहाँ कैसे भूख से मर सकते हैं लोग? भूख से इस तरह है की वहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, अवाम गरीब है। यहाँ की यहाँ पर अवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है। जो गवर्नमेंट आती है कहती खजाना खाली है। कहने की बात है, ये सच में ऐसा है? सच में ऐसा है। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि मईशत का एक उसूल है, आप जितनी करेंसी प्रिंट कर रहे हैं ना उतना आपके खजाने में गोल्ड होना चाहिए या डॉलर्स होने चाहिए। हम अफरात जर का शिकार है, इसलिए हमारे महंगाई बढ़ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि जितने पाकिस्तानी अमीर है ये पाकिस्तान का कर्जा भी उतार सकते हैं, पाकिस्तान को स्टेबल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्यों? लेकिन कौन देगा अपनी जेब से? बड़े बड़े ये वजीर जो है ये दे सकते हैं अपने खजानों में? कभी भी नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा ऑन द अदर हैंड इंडिया में देखे कोई कोई भी मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा हो तो वहाँ पर सारे मिल जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं, यूनिटी आ जाती है, लेकिन हम में ऐसा नहीं आता, उनमें क्यों आ जाती है? देखिए जी, यहाँ पर एक दफा शायद आपको याद हो, शुरू हुआ था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, लेकिन कहाँ गया वो पैसा? आज तक किसी को पता लगा? चीफ जस्टिस साहब ने डैम के लिए पैसा इकट्ठा किया, कहाँ गया? डैम के लिए अभी तक नहीं, अभी तक नहीं पता लगा कहाँ गया वो, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन वहाँ पर ये है, वहाँ पर अगर कोई मिनिस्टर या वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी अगर कोई इस किस्म का चीटिंग करता है ना तो उसको कटहरे में खड़ा कर देते हैं। यहाँ पे देख लें, करोड़ों रुपया लूटने के बाद आ जाते हैं, अदालत से रिलीफ मिल जाता है वहाँ पर। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के एक्स हैं और रशिया के व्लादिमीर पुतिन, उनको भी वो बुलाया गया और मतलब आई थिंक सो सजा हुई कि पता नहीं क्या ऐसा। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा कोई भी हमारे पे हमारे वजीरों पे हो जाए तो वो मुल्क से भाग जाते हैं, मुल्क से भाग जाते हैं, बाद में आते हैं तो सारे आपको पता है मुकदमे फारिग हो जाते हैं, वे वो हो जाते हैं। क्या कहेंगे सर, हमसे ज्यादा अच्छी कौम इस टाइम इंडियन साबित हो रहे हैं या नहीं? जी इंडियन हमसे बहुत आ गया, इंडस्ट्री में आ गया, टेक्नोलॉजी में आ गया, डिफेंस में आ गया, हर जगह इंडिया हमसे आगे बहुत। मुझे लगता है ये कहते हुए हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने उनसे आजादी ली तरक्की करने के लिए। आजादी कहाँ ली हमने, बांग्लादेश को खुद से अलग किया, हमसे आगे है वो। सही बात, देख लो उन्होंने हमसे आजादी, उन्होंने हमसे ज्यादा आजादी ली, वो आजाद है। सही बात है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। देखिए बेसिकली रीजन है कि इंडिया के जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बैठे हैं बाहर, इतने बड़े बड़े उनके बिजनेस है और वो वैसे भी अपने कंट्री को आगे प्रमोट करते हैं। अभी करंटली आप देखे ना बरतानिया में, यूके में जो इंडियन हैं उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज बनाए और यूके को मतलब क्या करें, उनके यूके के जो सीजन है उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो उन्हें के पीएम पता है कौन है? जी जी, वो भी मतलब यहाँ इंडिया से गए हुए थे, वो भी इन्हीं सेंस मतलब इसी सेंस में ना। अब ऑब्वियस है दो कंट्रीज हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, एक साइड भी ऐसा कंट्री है जो उनके अपने सिटीजन को जॉब दे रहा है। ऑब्वियस है जब वहाँ का बंदा अप्लाई करेगा तो पहले ही जब यूके वाले जो बंदे हैं उनके दिमाग में पहले से माइंड सेट होगा कि अब ये इंडिया से आ रहे हैं, ऑब्वियस है अच्छा बंदा होगा, ये पहले हमारे कंट्री में ये फायदा कर रहे हैं हमारे बंदों का तो हम भी उनके करते हैं। ये तो ऐसी ही गिव एंड टेक वाला सीन ही है। हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं तो मांगने जाते हैं, हम भी जाएंगे तो मांगने जाएंगे। वो फिर सुभाष शरीफ साहब ने जैसे कहा था, क्या हो गया मांगने आए और क्या हो गया, ऐसे ही है फिर। सही बात। और ऐसे भी हमारे यहाँ से जो बंदे जाते हैं बाहर, जो जाते भी हैं तो उनका स्किल सेट कोई नहीं है, यहाँ पे तुक्के वाला सीन है, और जो भी जाते हैं वो सिर्फ एक मतलब के यहाँ से मतलब ट्रिकी लगा के जाने, जबकि इंडिया के जो बंदे हैं वो पढ़े लिखे हैं, काबिल बंदे हैं। देखें वो बाहर जाते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए, हम जाते हैं बस पाकिस्तान से निकलो, और इंडियन जो है वो बाहर जाते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए, गूगल के सीईओ के लिए, किसी और बड़ी पोस्ट के लिए, हम वहाँ क्या जाते हैं बस ऐसे फारिग।
कोई स्किल सेट है नहीं तो कौन करेगा। हमें घर वाले नहीं कबूल करते, बाहर वाले कैसे करेंगे। घर वाले कहते हैं भाई बाहर जाओ। मुझे बताना, आपने कहा है कि यूके ब्रिटेन वगैरह में उनके जो है बड़े बड़े सीईओ बना रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें दुबई, सऊदी, इजिप्ट वगैरह इस्लामिक कंट्रीज में, उधर भी उनको प्रेफरेंस मिलती है। आप इंडिया के देखे ना, अभी उसने इजिप्ट का दौरा किया अभी पिछले दिनों में मोदी ने, तो मोदी जो है वो तो दोनों साइड पे सही जा रहा है। उसने इजिप्ट एक इस्लामिक कंट्री है, उसने वहाँ इतने अच्छे अपने ताल्लुकात बनाए हैं। सो दुबई में देखें आप, इतने बड़े बड़े ताल्लुकात, अभी वो नया प्रोजेक्ट नहीं बना रहे दुबई और इंडिया के दरमियान में, दरमियान में जो ओशन है जी वो उसके दरमियान वो चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी, कुछ कर ही नहीं रहे। जब कुछ करोगे नहीं तो ऐसी इज्जत बन जाएगी, वाला घर बैठे हुए इज्जत बन गई। पाइपलाइन था ना, हम प्रोजेक्ट बनाए नहीं हुआ, ऐसी हो गया। ऐसे क्या समझते हो कि हम यूथ है ना, आप यूथ मैं भी यूथ, वहाँ के यूथ को प्रोटोकॉल मिलती है, इम्पोर्टेंस मिलती है, वैल्यूएबल माना जाता है, क्या वो ज्यादा अच्छी कौम बन सके हैं? क्या हम कौम नहीं है? क्या हमारे में कमी क्या है? हम कौम है, लेकिन हम में से जो एक मतलब बंदा बाहर गया हुआ है उसे पता ही नहीं है कि मैंने अपने मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट करना है। बाहर जो गया हुए उन्हें पता ही नहीं है, मतलब जो भी जाता है वो अपने जो जानने वाले हैं एक दो सर्कल में उन्हें भी नहीं बुलाएंगे, उन्हें भी कहेंगे कि नहीं यहाँ आओ ना आओ, कोई सीन ही नहीं है, ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है, कुछ सीन है नहीं। जब ऐसा कोई सीन होगा तो ऐसे ही होगा। और हमारे मुल्क से कौन से कोई नया टैलेंट बाहर जा रहा है, मतलब इस तरह का कोई एंटरप्रेन्योरशिप या इस सीन में तो नहीं जा रहे। यहाँ से जितने भी जा रहे हो कहते हैं वहाँ कोई जॉब ही मिल जाए, कुछ भी मिल जाए करेंगे। और यहाँ से जबकि इंडिया वाले, वो आपको बता रहा हूँ कि वो यहाँ से जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ के लिए, हम उस पोस्ट के लिए जा रहे हैं और हम इसके लिए जा रहे हैं। ऑब्वियस है, जब माइंड सेट ही नहीं है तो फिर क्या होगा। क्या वजूहत है कि इंडियंस इस काबिल हो गए और हम नहीं हो सके? देखें स्टार्टिंग वाला जो सीन है ना, मतलब वहाँ पे वैसे भी उस कंट्री में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अगर आप स्टडी करें हिस्ट्री की, हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई ही नहीं है स्टार्टिंग से। ये आर्मी वाला सीन है, कम से कम जो एक पॉलिटिकल सीन है वो तो आए। अब देखें इंडियन के जो बड़े बड़े हैं, मतलब जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनकी प्रॉपर उनकी चेकिंग होती है, उनकी स्क्रीनिंग होती है कि वो कहीं मीटअप ना कर लें। और उनके जितने भी आर्मी के इधर हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के सारे जो चीफ मार्शल हैं उनके, वो भी इक्वल रैंक में है कि कहीं वो मतलब कि मार्शल ना लगा दे। इंडिया जब से बने एक मार्शल अब नहीं लगा, और स्टेबिलिटी है वहाँ पे, यहाँ स्टेबिलिटी ही नहीं है। अभी भी किसी को नहीं पता क्या बनेगा, इलेक्शन है किसी को पता कब होंगे, किसी को नहीं पता, सब जानते हैं क्या हो रहा है, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चे को भी पता क्या हो रहा है। वैसे मैंने कहा था 1947 में कि ज्यादा देर मुल्क चल नहीं सकेगा, तो क्या लगता है कि उनकी बात सच हो रही है? अभी हमारे हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं और हमारे इस्लामिक कंट्री हमें छोड़ते जा रहे हैं। देखें अब जो वैसे जमाना है वो अब वो उस तरह से जंग वाला जमाना नहीं है, ये सॉफ्ट पावर है। अभी भी आप देख लें इसराइल फलस्तीन वाला मामला भी देख लें, अब फलस्तीन के जो मतलब हक में यूरोप में, इवन यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी बड़ी रैलीज निकल रही हैं, इवन वो भी अब हक में नहीं है। अब जो सारा सीन आ गया वो सॉफ्ट पावर की तरफ मूव ऑन हो गया, वो पुराना वो जो अमेरिका वाला सीन था ना कि मुल्कों को लड़वाओ, जंगे करवाओ और यू आर द सुपर पावर, वो सीन ही है। चाइना इतना डोमिनेट कर दिया उसने, मतलब मुसलमान सऊदीया की और ईरान की इतनी बड़ी दुश्मनी थी मुसलमानों की, इतनी बड़ी शिया सुन्नी वाली, वो उसने दोस्ती करवा दिया। अब जो सीन है वो सिर्फ सॉफ्ट पावर है, मतलब हर अब जो है यूथ देख रहा है, और ये यूट्यूब पे नेट पे हर चीज़ पड़ी हुई है। ओबियसली वहाँ पर जितना जुल्म हो रहा है यूरोप वाले तो देख रहे हैं, वो खुद भी आवाज़ उठा रहे हैं। जो ऊपर वाली सतह पे हैं उनके मतलब जिन जो प्रेजिडेंट वगैरह हैं, जो ऊपर वाली सतह पर जिनके अपने मफादात, बस वो नहीं कंसर्न कर रहे। आजकल जो हमारे यहाँ पे मतलब सीन चल रहा है वो ये है कि अवाम का एक अपना नज़रिया है, लेकिन जो बड़े एलीट क्लास बैठी हुई है उनका अपना नज़रिया, और चल वही रहा है जो एलीट कह रही है। हम जितनी मर्जी हम यहाँ पे रैलियाँ निकाल रहे हैं फलस्तीन के हक में, इवन मैं यूरोप की भी आपको मिसाल दी, वहाँ भी निकल रही है, कुछ हुआ है? मतलब हो तो वही रहा है जो ऊपर एलीट बैठा हुआ है ना, वो वहाँ पे दे ही जा रहा है, सब कुछ हो ही जा रहा है, कुछ ही नहीं है। इंडियंस पावर एशिया में बहुत ज्यादा नजर आ रही है, अमेरिका तक झुकाव करना शुरू हो गया है इंडिया के सामने। और अगर हम बात करें जो बाइडेन की, तो वो गले लग के खुद मिलते हैं जाके मोदी से। अगर हम बात करें क्या आपको लगता है पीएम मोदी एज ए लीडर कौम के लिए और वर्ल्ड के लिए अच्छे साबित हुए हैं? वो अपनी कंट्री के लिए तो अच्छे साबित हुए ना, अपनी कंट्री की बेहतरी करेगा ऑब्वियस, वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा है। अब देखिए मतलब जो है वैसे भी अमेरिका के इसमें अपने भी मफादात है ना, वो चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। चाइना यहाँ इस पूरे खिते में मतलब इंडिया ही है ना जिसको वो उसके साथ मुकाबले में लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान वैसे भी चाइना के साथ उसके एसोसिएशन है, मतलब ये वैसे भी ओवरऑल वर्ल्ड वार चल रही है एक हिसाब से, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं ये सारे, तो काफी बड़े हैं। जी में आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस कैपेसिटी रखता है कि वो खड़ा हो सके इंडिया के सामने? नहीं मतलब ऐसा कुछ ही नहीं है, हमने क्या करना है, हमने पहले भी सारी जंगें हारी हैं, एक और हार चुके, मसला ही नहीं है। अब सेकंड ईयर में आपको लगता है आप सही बोल रहे हो कि हम सारी जंगें हारे? सारी हारे हुए हैं, ऑब्वियस है सारी हारे हुए जंगें, कौन सी जीते हम? कारगिल जीते हैं, ऊपर पहाड़ पे चढ़े हुए थे, कह रहे हैं भाई मसला हुआ, नीचे आ गए, आए क्यों तुम? पीछे से की जगह हम जीते हैं ना कहते हैं, नहीं कौन जीते, कुछ भी नहीं जीते।
हमें फिर गलत क्यों बताया जाता है? आप सेकंड ईयर में हो, मतलब हमारे इधर सेकंड ईयर के बच्चों को मुझे नहीं लगता इतना कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो आप मुझे ये बताओ कि पेंसिल की जंग अगर हम हारे हैं तो हमें जीते हुए का गलत तरीके क्यों पढ़ाई जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई जंग भी नहीं हारे। देखें बांग्लादेश वाला भी सीन देख लें आप, कितनी जिल्लत के साथ हमने जाके सिग्नेचर किए हैं, वो वाली पिक्चर्स भी देख लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी वैसे ना फिलहाल वैसे इंडिया की अब बहुत हो रही है रसवाई, जैसे दुबई में उसके वो जासूस पकड़े गए हैं, वो जो उन्होंने अपने दुबई में उनके पकड़े गए हैं, वो इसराइल के लिए कह रहे थे, मतलब वो कह रहे थे, वो खबरें वहाँ पहुँचा रहे थे, मतलब बहुत हो रहा है, लेकिन ऑब्वियस है वो इतना बड़ा है कि मतलब कुछ खबरें खत्म हो जाती है। वो कनाडा में भी उसके इशू चल रहे थे, वो जो सिख को कत्ल किया, कुछ हुए लेकिन उसमें इंडिया के खिलाफ सबूत नहीं मिला। नहीं मिले, वो जो 5i वाली ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है अमेरिका की, यूके की और ये सारी यूरोपियन कंट्री की, उन्होंने बताया कि हमारे पास सबूत हैं कि इंडिया इसमें मुलविस है। फिर इंडिया वालों ने कहा कि भाई आप मतलब हमसे लेना देना नहीं, हमारे इंटरनल मामला है, कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि हम जो भी करें, ऑब्वियस है होना तो ऐसे हो, जो करो डंगे की चोट पे करो, इसराइल नहीं कर रहा डंगे की चोट पे, तो ऑब्वियस है वो कर रहे, सबको बता रहे मैं कर रहा हूँ। अभी भी जंगबंदी हो जाती है, वो दो दिन बाद क्या करेगा? वो जाएगा नहीं गाँव में जाएगा, उन्हें कहा निकलो, वो निकल जाएंगे, फिर कहेंगे यहाँ कोई था ही नहीं, आगे बाद ही बना लेंगे, तब क्या कह रहा। वो आप छोड़े, मतलब इसराइल और अरब का देखे ना, इनके दरमियान भी 3 से 4 जंगें हो गई हैं। अभी वो नया नया बना था 1949 में बना ना, वो थोड़े टाइम बाद जंग हुई है, हार गए, दुबई ने तस्लीम कर लिया, ऐसे ही है सारे बारी। सऊदीया कर रहा था ये नाम मसला बंदा, सऊदी ने कर लेना था, वो जो वो नियोन सिटी बना रहा है सऊदीया, इसी के साथ बना रहा है इसराइल के साथ मिलके, और कौन कर रहा है? क्या लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट होगा इन फ्यूचर? देखें हो भी सकता है, लेकिन ऑब्वियस सीन है कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है किसी कंट्री में, जब प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो तो चलने दें। यहाँ पे हमारे यहाँ सीन ये है कि एक छोटी सी सड़क भी बनी है ना, छोटी गली भी बनी है, वहाँ पे तख्ती लगवाने पे लड़ाई होती है। ये ही नहीं कि भाई लग गया हो गया आवाम की बेहतरी हो रही है, वो सीन ही है, तख्ती मेरे नाम की लगेगी। हमारे वहाँ इलाके में एक सड़क है, वो 3 दफा उन्होंने दोबारा से उखाड़ी है अपनी तख्ती लगाने के लिए, अब आवाम तंग हो रही है, सही है, उसका कोई पता ही नहीं है, उन्हें पता है भाई मेरा नाम है, वो कह रहा है मेरा नाम है, जो तो यही तो सीन है।